नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरके सिंचुरी क्लास 10 में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर का है जो एग्जाम में आने वाला है, वो आपको इस वीडियो में कराऊंगा। वीडियो का लंबा नहीं होने वाला है, पूरा वीडियो देखना है, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 6 नंबर में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होने वाला है, समझने का क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आ गया शुरुआत कहाँ से करनी है तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपको समझ में ही नहीं आया कि करना कैसे तो आपको ये समझ में नहीं आने वाला। तो देख करना कैसे इसको देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एक्स और वाई जो मान निकालना है, यही इस क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 3x+y 1/3x+y समीकरण ऊपर में भी नीचे है दूसरी वाली में, अच्छे 1/3x-y इसमें भी और इसमें भी है, तो जो दोनों समीकरण में है उसको ही हम मान लेते हैं। अब 1/3x+y को आप a मान लो और 1/3x-y को आप b मान लो, ठीक है। तो करते हैं इसको स्टार्ट, लिखने यहाँ पर हल, ठीक है। तो दोनों में क्या है, 1/3x+y, तो हम लिखेंगे माना 1/3x+y बराबर a तथा 1/3x-y बराबर में b। तो मान रख देते हैं इसको, एक और दो माना था इसके लिए रखिए आप a, तो a प्लस 1/3x-y b बराबर में 3/4, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 3। अब दूसरी समीकरण 1/2, तो 1/3x+y की जगह हम रखेंगे a और ये बटे में 2, तो 1/2 प्लस माइनस समीकरण 2 में, अब 1/3x-y की जगह b रखना है और बटे में 2, तो b 2 बराबर में माइनस का 1/8। अब इसको थोड़ा सिंपल करो, समीकरण एक तो सिंपल है हमारी, इसको थोड़ा और सिंपल कर लो, तो क्या होगा a माइनस बी बटे में 2 एलसीएम बराबर माइनस का 1/8, तो 2 × 4 8, तो a माइनस बी बराबर में माइनस का 1/4, ठीक है। तो ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 हो गई, समीकरण 4 हो गई। अब इसको अब इसके साथ ही लिख लो, ए प्लस बी बराबर 3/4, ए प्लस बी बराबर में 3/4, ठीक है। ये 3 है हमारे, ये वाली सेम टू सेम। अब हमें क्या करना है इसमें, ए या बी किसी एक को भी काट दो विलोपन विधि से, ठीक है। तो भाई बी माइनस का ए प्लस का काट दो, इसको क्या दिक्कत है, कैंसिल। अब ए और ए दोनों प्लस के 2a बराबर, ये दोनों जुड़ेंगे, माइनस का 1/4 और प्लस का 3/4, तो 2a बराबर 3 में से 2/4, 2 से 2 कैंसिल, तो a बराबर यहां से बच गया 1/4, इसको आप बॉक्स में बंद कर दोगे, ठीक है। उसके बाद a का मान निकल गया, अब आप लिखोगे समीकरण 3 में या 4 में किसी में भी, यहां आप लिखोगे समीकरण 3 में a का मान रखने पर, ठीक है। इसको लिखोगे समीकरण 1, समीकरण 3 में a बराबर 1/4 रखने पर, ठीक है। तो रख दो 3 में 4 में, 3 में रख देते हैं हम, a बराबर 1/4, तो a बराबर क्या हमारा a प्लस b बराबर 3/4, ठीक है। यहां पर रखते हैं हम a प्लस b बराबर 3/4, एक मान रखो भाई 1/4, तो 1/4 प्लस बी बराबर में 3/4, ठीक है। यहां से आप b का मान निकाल लो, b बराबर 3/4 प्लस का 1/4 है, तो ये माइनस का 1/4 हो गया। अब b बराबर आप क्या करोगे, 3 माइनस 1/4, b बराबर 3 में से 2/4 कट गए, तो b बराबर जो है आपका 1/2 आ गया, और यहां से आपका a बराबर 1/4 आ गया। इसको भी यहां पर लिख सकते हो आप, ए बराबर 1/4, यहां देख के इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। लेकिन अभी हमारे पास पूरा हुआ ही था, ठीक है, अभी तो आधा कम हुआ है, क्योंकि हमसे तो पूछा गया भाई एक्स और वाई का मान निकालो, तो एक्स और वाई का मान निकालने के लिए हमें इनके मान वापस रखने होंगे जो हमने माने थे। हमने माने थे भाई 1/3x+y बराबर a, ये मिल गया हमें, वापस कर दो, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1/3x+y बराबर में 1/4, 1/3x+y बराबर में a था, तो 1/4 रख दो, ठीक है। दूसरी बात, इधर इधर क्या हमारा 1/3x-y बराबर
एक बटे तीन एक्स माइनस वाई बराबर में बी था, तो एक बटे दो। अब यहां से एक्स और वाई के मान निकाल लोगे, लेकिन इसके उधर निकलने वाले अभी फिर से समीकरण बनेगी और फिर से इसको हमें काटना होगा, फिर एक्स और वाई के मान निकलेंगे, डबल काम हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसकी, तीन एक्स प्लस वाई की एक से करोगे तो ये आएगा तीन एक्स प्लस वाई बराबर चार एक चार। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर चार, पांच हो गई समीकरण नंबर पांच, ठीक है। अब इसकी करोगे तीन एक्स माइनस वाई बराबर दो एक दो, ये हो गया हमारे समीकरण नंबर छह। अब पांच और छह को हल कर लो, एक्स वाई का मान आ जाएंगे, ठीक है। छह को समझे लिख लो, तीन एक्स माइनस वाई बराबर में दो, ये छह है हमारे, ठीक है। अब इसमें विलोपन विधि से फिर हल करो एक्स वाई का मान, तो छह नंबर में छोटा को चल रही है।